हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। आज हम अपना फार्मेसी प्रैक्टिस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीसीआई। पीसीआई के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि हमारा सिलेबस पीसीआई के अकॉर्डिंग होता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो पीसीआई के अकॉर्डिंग हमने फॉलो करनी है। लेकिन पीसीआई एक्चुअल में क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके रोल्स क्या है, वो हमें डिटेल में नहीं पता। तो आज हम यही करेंगे कि पीसीआई होती क्या है और इसके मेंबर कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं और ये क्या क्या रोल प्ले करती है। ये हमारा टॉपिक है, फार्मेसी प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है उसमें से मैंने लिया हुआ है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई, द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1949। जो फर्स्ट पीसीआई की कमेटी थी वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वो 1949 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। फाइन, इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 ईयर्स। मीन्स ये नहीं कि अगर एक बार कमेटी बन गई है, पीसीआई बन गई है, तो उसके मेंबर्स परमानेंट है। आफ्टर 5 ईयर्स दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है। जो भी जगह पोस्ट खाली होती है फिर पोस्ट निकलती है, उस अकॉर्डिंग सिलेक्शन की जाती है, नॉमिनेट किया जाता है, या कोई भी एक्स ऑफिसर्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो वो कैसे होती है वो हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। मींस जो मेंबर्स है उसकी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इसको हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल